प्रसन्न भी न पश्यति, इसका नाम है माया। माया जवनिकाच्छन्न, जैसा किसी का पिताजी स्टेज में, थिएटर का स्टेज में प्ले कर रहे हैं और उसका लड़का बैठा है, वो पूछता है माता जी को, पिताजी कहाँ प्ले कर रहे हैं? देख रहा है अपना सामने कि पिताजी प्ले कर रहे हैं, बाकी क्योंकि माया जब उनका अच्छा ना, वो ड्रेस पलट लिया, वो देख नहीं सकता। नटो नाटो धरो जथा। तो धर्म हम लोग सब बनाए हैं, हिंदू धर्म बनाए हैं, मुसलमान धर्म बनाए हैं, क्रिश्चियन धर्म बनाए हैं और अनेक धर्म हम लोग सब बनाए हैं। बाकी असल जो धर्म है ये भागवत में बताते हैं, सभी भूंसान पर वो धर्म जो तो भक्ति रधो खज अधो खज अधकृता अखज ज्ञानम जत्र, जो कि अपनी जो विद्या बुद्धि है वो विद्या बुद्धि से जिसको समझ नहीं पाते हैं उसका नाम है अधो खज। अधो खज अधकृता अखज ज्ञान, वो अधो खज में जो भक्ति है उसका नाम है रियल असल धर्म, परो धर्म, नित्य धर्म। अभी अभी शरीर मिला है, हिंदू का शरीर मिला है, ये शरीर तो टिकेगा नहीं, ये समझ लीजिए आगे जन्म में हमको मुसलमान का शरीर मिल गया तो मुसलमान धर्म हो गया, और नहीं तो हम इसी जीवन में हिंदू से मुसलमान बन गया तो हम मुसलमान हो गया। ये सब धर्म नहीं, ये जो अदल बदल होने वाला है इसको धर्म नहीं कहा जाता, जो कि नित्य धर्म है उसका नाम है असल। सभी पुंसान परोध, पर का अर्थ होता है नित्य, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस मेटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, उसका नाम है परोध। तो आपका ये जो भागवत में बता रहे हैं जो परोधर्म में जाना चाहिए, परोधर्म का अर्थ होता है निवृत्ति धर्म, और अपरोधर्म मीन्स प्रवृत्ति धर्म। साधारण जो हम लोग धर्म को ग्रहण किया है, भाई दुनिया में रहो और अच्छा काम करो, फिर स्वर्ग में जाओ, धनी का घर में जन्म हो और खूब सुख भोग करो, इसको सब चाहते हैं, इसका नाम है अपरो धर्म। अपरा वो जो भौतिक वस्तु है, भूमि रपा, उसको चाहते हैं, इसका नाम है अपरो धर्म। और जो समझ गया जो ये जो सब भौतिक वस्तु है ये हमारा आवरण है, हमारा ड्रेस है, और असल मैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु है, तो जो समझते हैं जो मैं ब्रह्म वस्तु है उसका धर्म अलग है, उसका नाम है परो धर्म। तो अपरो धर्म से जब हम परो धर्म में आएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, ये बता रहे हैं। यदि आत्मा का सुख चाहते हैं तो परो धर्म में आएंगे, ये अपरा धर्म में नहीं रहेगी। अपरो धर्म में रहने से सुख नहीं, क्योंकि वो चीज तो मैं वो है ही नहीं। जैसा मछली है, मछली को उठा करके और स्थल पर रख दे, जमीन में रख दे, वो कभी सुखी हो सकता है नहीं, वो चटपटा है। उसको पकड़ के फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार जीव भूत जो है वो, हाँ जीव भूत वहां अपराम विधि में प्रकृति में पड़ा, एक परा प्रकृति है, वो कौन है? जीव। तो वो परा प्रकृति, जब परा प्रकृति का सहित उसका संयोग नहीं होता है तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। वही दार जैसा मछली है, उसका संपर्क है पानी से, वो पानी से उठा करके आप जमीन में उसको डाल दीजिए और मखमल का बिस्तर में उसको रख दीजिए कि बेटा इधर अच्छी तरह से सो, तो उसमें सुखी नहीं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं ऐसा धर्म में आइए जिसका आप संपूर्ण सुस्त हो जाएंगे, आनंद में जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। सभी पुंसान करो धर्म जतो भक्ति रधुक, और वो कैसे मिलेगा? वो भक्ति से, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, ज्ञान से भी नहीं, कर्मों से भी नहीं, योग से भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी योगी कर्मी जितने हैं ये सब वो अपरा भौतिक धर्म में उसका आवेश, यानी ज्ञानी जो है वो इधर भौतिक जगत में परेशान होकर के वो समझता है अब भगवान से मैं एक हो जाऊं, तभी हम ये परेशानी से बचे। साजुज मुक्ति चाहते, एक होने को चाहते, एकत्म
ये ज्ञानी का उद्देश्य है। और योगी जो है वो चाहते हैं हमको कुछ सिद्धि मिल जाए, हम आकाश में उड़ सके तो लाखों आदमी हमारे पीछे पड़ जाए, हम पानी में पानी का ऊपर अगर चल सके तो बहुत से आदमी हमारे पीछे पड़े, सिद्धि चाहते, मैजिक दिखाने चाहते योगी। बाकी वो चाहते हैं कुछ, वो ज्ञानी भी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कर्मी तो चाहते ही हैं भौतिक सुख, इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सके, क्योंकि उसको मांग है, काम को ये चीज चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो उसका कुछ मांग नहीं, इसलिए वो ही सुखी हो जाए। ऐसे चैतन्य चैतन्य में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो जाते हैं इन्हें कर्मी ज्ञानी योगी, वो कुछ मानते हैं इसलिए उसको शांति कमी नहीं हो सके। और भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा में निजुक्त रहने चाहते, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनी शरे भवता भक्ति रोहित की तई। ये चैतन्य महापुरुष सिखाए, इसीलिए ये सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। इसलिए तो कुछ स्वामी बता रहे हैं, जया आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो जतो भक्ति अधिक खजे, तो अधिक खजे जो भगवान अमांग मन से गोचर, उसका चरण में भक्ति, यही एकमात्र पद है। तभी गुणसान परो धर्म जतो भक्ति अधिक खजे अहोई तू, और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए,